हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल. द सब्जेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड यूनिट 3 इज कंटिन्यू. द नेम ऑफ यूनिट 3 इज ब्रिज इंजीनियरिंग, इन विच वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट अ लिटिल बिट टॉपिक दैट इज अबटमेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द थर्ड यूनिट ब्रिज इंजीनियरिंग. टुडेज टॉपिक इज अबटमेंट. फ्रॉम abutment we will conclude today's videos. After this we will discuss in our next lecture is wing wall. In our previous lecture we conclude the foundation parts and also a part which is related to the bridge engineering. That's why in this session, in this lecture, we only can talk about the abutment. What is abutment? What are the types of abutment? How it? What are the requirements of abutment, etc. Okay. Now, come to the point. This is our 25th lecture on transportation engineering. With the help of 20 or 24 lecture, we conclude the each and every aspects of transportation engineering in a systematic way, according to the our SBT and as per SBT syllabus. ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तीसरा यूनिट ब्रिज इंजीनियरिंग है, जिसमें आज का लेक्चर में हम लोग अबटमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना. अबटमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे. इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग विंग वॉल को कंक्लूड करेंगे. अबटमेंट का क्या टाइप्स होता है, अबटमेंट का क्या फंक्शंस होता है, इन चीज़ों के बारे में अभी चर्चा करेंगे, राइट. और अबटमेंट का क्या है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. और आज का क्लास अबटमेंट के ऊपर है, ठीक है ना. छोटा सा लेक्चर होगा अबटमेंट के ऊपर. क्यों होगा? क्योंकि ये अबटमेंट जो है, या विंग वॉल है, या पियर्स है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है पियर्स के बारे में, ठीक है ना. तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. किस बेसिस पे? हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. चलिए, अगर अबटमेंट क्या होता है वो अगर जानकारी हम लेना चाहें तो आपको एक फिगर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे. इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखोगे, ठीक है ना. कहीं पे भी ब्रिज पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखोगे. फिर इधर से, कहाँ से, यहाँ से देखो, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम. यहाँ से फिर पानी जा रहा होता है ना. कोई अगर दूसरा कलर ले लो, ब्लैक ले लो, क्योंकि सब कलरफुल है, ठीक है ना. पानी जा रहा होता है तो दोनों तरफ रहता है. हम एक तरफ का दिखा रहे हैं, ठीक है ना. किसी भी तरफ हो सकता है. वहाँ से ये ब्रिज रहता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अबटमेंट में क्या लिखा, द अबटमेंट्स एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एंड द एम्बैंकमेंट्स. दे आर डिजाइन टू सपोर्ट द लोड्स ड्यू टू द सुपर स्ट्रक्चर विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बियरिंग एंड टू द प्रेशर ऑफ द सॉइल कंटेन बाय द अबटमेंट्स. मतलब ये कनेक्टिविटी तैयार करता है किसके किसके बीच में, हमारा सब स्ट्रक्चर के और सुपर स्ट्रक्चर के, ठीक है ना. सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में कनेक्टिविटी तैयार कर रहा होता है, राइट. कौन? हमारा अबटमेंट, ठीक है. और आगे बारे में जानते हैं. द अबटमेंट मस्ट इंक्लूड एक्सपांसन जॉइंट टू एकोमोडेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डेक, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल शॉर्टनिंग एंड एक्सपांसन मूवमेंट ऑफ द डेक ड्यू टू द टेम्परेचर. अभी अभी हम बताए हैं, पहले भी हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से स्ट्रक्चर पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन होना तय है 110%. तो उसको भी ये मिनिमाइज करता है, उसके भी ध्यान रखता है, सेफ जोन पे ले जाता है. कौन? अबटमेंट, राइट. आगे जानते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ अबटमेंट. कौन कौन से टाइप्स होते हैं अबटमेंट के, देखते हैं. टू बेसिक टाइप्स ऑफ अबटमेंट्स में बी कंसिडर्ड. दो तरह से अबटमेंट को कंसिडर किया जा सकता है. अगर पहला का बात करें तो वॉल, जिसको काउंटर फोर्ट अबटमेंट बोलते हैं, और दूसरा का बात करें तो ओपन अबटमेंट बोलते हैं. क्या होता है काउंटर फोर्ट, क्या होता है ओपन अबटमेंट, देखते हैं. अगर काउंटर फोर्ट की बात करें, जिसको वॉल अबटमेंट्स बोलते हैं, तो काउंटर फोर्ट वॉल अबटमेंट्स आर एडॉप्टेड ओनली वेन द टोपोग्राफिक कंडीशन एंड द शेप्स ऑफ द बैकफिल आर सच दैट एन ओपन अबटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड
दे आर जनरली अडॉप्टेड व्हेन द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द फ्रंट वॉल इज अबव 5 to 8 meters. इफ द डेप्थ इज बिलो दिस ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड काउंटर फोर्ट वॉल मे नॉट बी नेसेसरी एंड अ सिंपल वॉल कैंटिलीवरिंग फ्रॉम द फाउंडेशन मे बी अडॉप्टेड. क्या मतलब है इस पूरे बड़े सेंटेंस का कि काउंटर फोर्ट अबटमेंट या काउंटर फोर्ट वॉल अबटमेंट हम वहां प्रोवाइड करवाएंगे जहां पे 5 से 8 meters, ठीक है ना, 5 से 8 meters का हाइट से ऊपर हो. दे आर जनरली अडॉप्टेड व्हेन द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द फ्रंट वॉल इज अबव 5 से 8 meters से ऊपर हो तो हम काउंटर फोर्ट अबटमेंट को हम एस्टेब्लिश करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम अपने उपयोग में लाते हैं. अगर उससे नीचे है तो हम सिंपल कैंटिलीवर वाला वॉल, सिंपल वॉल, या तो हम दूसरे वॉल का यूज कर सकते हैं अबटमेंट के तौर पे, राइट. द कनेक्शन बिटवीन द अबटमेंट्स एंड द बैकफिल मे इंक्लूड एन अप्रॉक्स स्लैब विच इंश्योर्स अ स्मूथ सरफेस ऑफ द पेवमेंट इवन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द एडजस्ट बैकफिल. ये बैकफिल से कनेक्ट होता है. अगर बैकफिल, बैकफिल मतलब पीछे जो मिट्टी भरा हुआ रहता है, अगर मिट्टी थोड़ा सा धस भी गया, सेटल डाउन भी हो गया, तो भी आपके पेवमेंट को, ऊपर वाले जो पेवमेंट रहता है उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, राइट. आगे बढ़ते हैं. देखो ये वॉल अबटमेंट, काउंटर फोर्ट अबटमेंट, विंग्स, फ्रंट वॉल, ठीक है, और भी है ट्रांजिशन स्लैब, जॉइंट्स वगैरह रहता है, इसी में रहता है. ये है टाइप्स ऑफ वॉल अबटमेंट, पहले भी हम बात किए हैं इसके बारे में. ये है ओपन टाइप, खुला हुआ रहता है, ठीक है ना, ओपन टाइप. जॉइंट्स वगैरह तो रहता है लेकिन ओपन रहता है, ये किसी से कनेक्ट नहीं रहता है ऊपर, ठीक है. चलिए कुछ और हम जान जाते हैं अबटमेंट के बारे में. अबटमेंट्स फंक्शंस एज बोथ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड एज वर्टिकल लोड कैरिंग कंपोनेंट्स. क्या कहता है अबटमेंट का फंक्शन? बोथ, दोनों. अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर मतलब किसी भी दूसरे जगह का मिट्टी, अब मान लो एक जगह से अगर ब्रिज हम कहाँ बनाते हैं, मिट्टी पे नहीं, किसी नदी के ऊपर, किसी समुद्र के ऊपर, किसी नहर के ऊपर, या किसी ऐसा जगह जहाँ पे नीचे में खाली जगह हो, एक ऐसे भी कह सकते हैं, उसके ऊपर हम ब्रिज बनाते हैं. तो उस दूसरे तरफ से आने वाली मिट्टी, दोनों तरफ से जो जोर लगाएगा मिट्टी आने का, तो उसको रिटेनिंग वॉल कहते हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. और आता क्या है, मिट्टी आता है. एंड एज वर्टिकल लोड कैरिंग कंपोनेंट्स, और क्या ये दोनों काम करता है, एक तो बाजू से जो हॉरिजेंटली आप बोल सकते हो या लेटरल बोल सकते हो, उस तरह का जो लग रहा है लोड, वो उसको, उस वाले अर्थ प्रेशर को भी रिड्यूस कर रहा होता है या थाम रहा होता है या सह रहा होता है. और ऊपर वाला जो लोड लग रहा है पेवमेंट का, व्हीकल का, लाइव लोड, डेड लोड, जो भी है, उसको भी ये कैरी कर रहा होता है. कौन? अबटमेंट. तो ये भी एक फंक्शन है. एक पैरापेट अबटमेंट्स आर डिटेल टू एकोमोडेट थर्मल मूवमेंट्स विथ स्ट्रिप सील और मॉडुलर एक्सपांसन ड्राइव्स बिटवीन द कॉन्क्रीट डेक एंड द अबटमेंट एंड ब्लॉक. देखो ये पूरा अबटमेंट जो है ये एक ही चीज़ पे मंडरा रहा होगा, एक ही चीज़ के आजू बाजू घूम रहा होगा. किस चीज़ के आजू बाजू? बस जो लोड कैरिंग कॉम्पोनेंट्स हैं. किस तरह का लोड? लेटरल लोड और वर्टिकल लोड, उसी को हम अबटमेंट बोलते हैं, राइट. उसी को हम अबटमेंट बोलते हैं. टाइप्स तो ढेर सारा अभी हम बताएं, दो टाइप्स अभी हम बताएं, अभी आप ओपन वाला और एक अबटमेंट वाला. तो एक ग्रेविटी अबटमेंट होता है, ठीक है. ग्रेविटी अबटमेंट क्या होता है? अ ग्रेविटी अबटमेंट रेसिस्ट हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर फ्रॉम द रेयर विथ इट्स ऑन डेड वेट To be stable, this leads to massive size abutments. अब क्या होता है, अब ग्रेविटी के कारण भी क्या उस पर लोड लगता है. अभी देखो उस पर लिखा हुआ है डेड लोड, लाइव लोड ऑन अ डेक, ठीक है. अर्थ प्रेशर देखो बाईं तरफ से लग रहा है, ऊपर से लाइव लोड एट रेयर ऑफ अबटमेंट, ठीक है ना. तो ये सब क्या है?
अबटमेंट पे लग रहा है, लेकिन काउंटर फोर्स क्या होता है उस पर देखो, एक नीचे वाले फिगर में एक ट्राइंगल नुमा बना दिया गया, वो उस चीज़ को काउंटर फोर्स कर रहा होता है। काउंटर फोर्स मतलब उधर से प्रेशर लगाता है तो इधर से वो थामे हुए रखा है, एक तरह से आप कह सकते हो, राइट। दीज अबटमेंट्स मे बी ऑफ मास कॉन्क्रीट और स्टोन मेसनरी, स्टोन मेसनरी का भी बनाया जाता है। अ ग्रेविटी अबटमेंट इज कम्पोज ऑफ अ बैक वॉल, ठीक है, बैक वॉल एंड स्प्लेड विंग वॉल। विंग वॉल आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। काउंटर फोर्ट के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, काउंटर फोर्ट अबटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू द काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। इन काउंटर फोर्ट अबटमेंट अ थिन वॉल कॉल्ड काउंटर फोर्ट कनेक्ट्स द ब्रिस्ट वॉल्स टू द फुटिंग। अब क्या एक वॉल बनाते हैं नीचे में, देखो नीचे वॉल बनाए हुए। दिस काउंटर फोर्ट्स आर स्पेस्ड एट रेगुलर इंटरवल सो दैट द ब्रिस्ट वॉल्स इज डिजाइंड एज अ सपोर्टेड स्लैब रादर देन एज अ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के बजाय वो क्या क्या है, सपोर्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है ना, बाजू वाला। तो ये तो था थोड़ा सा अबटमेंट के बारे में जानकारी। आगे के लेक्चर में हम लोग विंग वॉल के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। जिनको भी पीडीएफ नहीं मिला है तो वो ग्रुप पे जाकर अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिनको भी नहीं मिला है 1 or 2 यूनिट का। थर्ड यूनिट का आप लोगों का जैसे कंप्लीट होगा आपके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, थर्ड यूनिट का सारा नोट्स वगैरह, ठीक है ना, पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, हैंड रिटन भी एज वेल एज मेरा कंप्यूटर टाइपिंग भी, ठीक है ना। तो और किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं हमको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आंसर दी जाएगी वहीं पर। लाइव चैट पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से। मतलब मेरा मेन मोटो यही है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे किसी भी प्रकार का हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट यूनिट का हो, सेकंड यूनिट का हो, थर्ड यूनिट का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा देर लगेगा, हम आपके मैसेज को या दूसरा क्लास ले रहे होंगे, लेकिन आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।